मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक शो में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, स्टोन्स एक बहुत ही आम समस्या हो गई है आजकल और उसमें भी सबसे कॉमन हो गया है गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी मदद कर सकती है इसको ठीक करने में? चलिए ये जानेंगे इसी शो में, लेकिन उसके पहले ये जान ले दैट व्हाट इज ज़ायरोपैथी। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है, और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेलबीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये जानना जरूरी है क्या ज़ायरोपैथी हमारी मदद कर सकती है गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट करने में? ये बताने के लिए हमारे साथ हैं खुद ज़ायरोपैथी के जन्मदाता नरेश जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स परेशान कर रहे हैं या आप उसका बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं, बस फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे दैट व्हाट आर गॉल ब्लैडर स्टोन्स और वो किस वजह से होते हैं? अनुजा जी, गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक अंग है। ये लीवर से कनेक्टेड है और इसमें लीवर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है बाइल जी, उसे स्टोर किया जाता है जी, और आवश्यकता पड़ने पे ये बाइल गॉल ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर बनते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं, या तो कैल्शियम अधिक हो जाना और या कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाना। अच्छा। इन दोनों कंडीशंस में गॉल ब्लैडर में स्टोन सॉलिडिफाई हो जाते हैं और जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। नरेश जी, हाउ डू यू डिटेक्ट गॉल ब्लैडर स्टोन्स, हाउ डू यू डायग्नोज इट? अनुजा जी, गॉल ब्लैडर स्टोन का अधिकतर डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड के जरिए होता है और ये तभी संभव है जब किसी को पेट में दर्द होता है तो अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी एक्सीडेंटल डिटेक्शन किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है। और इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं वो ये है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और ये भी एक कारण होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन डिटेक्ट हो जाए। ओके, तो ये साइज़ जो होता है स्टोन्स का ये वैरी करता है? जी, गॉल ब्लैडर स्टोन कई बार सिंगल स्टोन बहुत बड़ा लार्ज स्टोन बन जाता है और कई बार इसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे। अच्छा। वो निर्भर करता है कि किस तरीके के स्टोन्स वहाँ बने हैं, वेदर वो कोलेस्ट्रॉल के कारण बने हैं या वो कैल्शियम डिपॉजिट के कारण बने हैं। ओके जी। नरेश जी, अभी आप बता रहे थे कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग फॉर्म्स के भी हो सकते हैं, बट अक्सर हमने सुना है दैट सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन गिवन अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स ट्रीट कराने हैं, इज दैट ट्रू? ये बात सही नहीं है। वैसे अधिकतर डॉक्टर यही कहते हैं कि सर्जरी ही इसका सलूशन है जी। और अधिकांश केसेस में स्टोन ना निकाल के पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है। हाँ, राइट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफर। अच्छा। लेकिन ज़ायरोपैथी में हमने बहुत लोगों के गॉल ब्लैडर स्टोन निकाले हैं। अच्छा। और ये फूड सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन से पूरी तरह 3 से 4 महीने में निकल जाते हैं। नरेश जी, तो ज़ायरोपैथी में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो कारणों से होता है जी, या तो कैल्शियम की अधिकता हो जाए और या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए। तो हम चूँकि ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि गॉल ब्लैडर स्टोन किस कारण से है जी, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम फूड सप्लीमेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं
जिसके जरिए दोनों तरह, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हो या कैल्शियम बेस्ड हो, दोनों सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन से दोनों तरह के स्टोन्स जो है वो निकल जाते हैं। अच्छा, बट जैसे साइज आपने बताया ना कि कोई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो इवन इफ द स्टोन्स आर बिग वो निकल जाते हैं? अभी तक जो जायरोपैथी के जरिए हमने स्टोन्स निकाले हैं वो 17-18 mm साइज का सिंगल स्टोन हम निकाल चुके हैं। ओके। और मल्टीपल स्टोन्स तो काफ़ी सारे 6-7 की क्वांटिटी में होते हैं तो भी निकल गए, तो भी निकल जाते हैं। बेसिकली इनका स्लश बन जाता है और बाइल के साथ धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए बाहर निकल जाता है। ओके। दोस्तों, अगर आप भी गॉल ब्लैडर के स्टोन से बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत दर्द सह रहे हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि कहीं भी जाने से पहले जायरोपैथी ज़रूर आजमाएं। बस फ़ोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नरेश जी अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे। नरेश जी, आप ही के एक पेशेंट से हमारी मुलाकात हुई और वो गॉल ब्लैडर स्टोन से बहुत पीड़ित थी, बहुत दर्द सह रही थी, लेकिन हमें जान के बहुत खुशी हुई कि जायरोपैथी के माध्यम से उनको बहुत आराम मिला है। तो देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब मैं कामानी नरेश जी से मिली, उनसे मिलकर मैंने जायरोपैथी के बारे में जाना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पिताशय की जो पथरी थी मेरी, उसे मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। जैसे मुझे नरेश जी ने बताया, मैंने वैसे ही किया, वैसे ही करती रही मैं। अब मेरी पथरी बिल्कुल ठीक है, मैंने टेस्ट भी कराए, उसमें भी कुछ पथरी वगैरह नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बिल्कुल अच्छा महसूस करती हूँ। नरेश जी, दैट्स रियली ग्रेट एंड रियली कमेंडेबल, आपको क्या कहना है इस बारे में? अनुजा जी, जब नेहा जी मेरे पास आई थी जी, तो लगभग 4 महीने पहले ही इनको पेट में दर्द शुरू हुआ था। अच्छा। और ये कई तरह की पद्धतियां अपना चुकी थी। ओके। क्योंकि ये ऑपरेशन सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। अच्छा। फिर जब ये आई तो इनके स्टोन का इन्होंने इलाज तो करवाया कई जगहों पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि साइज थोड़ा और बड़ा हो गया था। साइज बड़ा हो गया था जी। फिर इन्होंने सप्लीमेंट्स लेने शुरू किए, रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स जी, और उससे लगभग 4 महीने के अंदर अंदर इनका स्टोन पूरी तरह निकल चुका था। ग्रेट, ग्रेट। नरेश जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि जैसे 4 महीने आपने बताया, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो दर्द तो उस दौरान होता रहता होगा और काफी सिवियर दर्द होता होगा ये। अनुजा जी, आपको ये बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर में जब तक स्टोन अंदर पड़ा हुआ है, हाँ, तब तक कोई दर्द नहीं होता। अच्छा। स्टोन का दर्द तब होता है जब ये गॉल ब्लैडर के माउथ पे आके अटक जाता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर की ओपनिंग है जी, वो बहुत नैरो होती है और अंदर वो थैली की तरह बना होता है गॉल ब्लैडर। राइट। तो जब भी कभी हम खाना खाते हैं और डाइजेस्टिव जूस की जरूरत पड़ती है, तो ब्रेन गॉल ब्लैडर को ऑर्डर देता है बाइल भेजने का, और गॉल ब्लैडर अपने आप को स्क्वीज करता है। ओके। और जब गॉल ब्लैडर स्क्वीज करता है तो ये जो बाइल है ये इंटेस्टाइन में चला जाता है जी। और ये कंडीशन है जब पेन शुरू होता है, क्योंकि मसल्स जो हैं गॉल ब्लैडर की वो शिथिल पड़ने लगती हैं और उनमें पेन शुरू होता है। जायरोपैथी में जो आप ट्रीटमेंट देते हैं नरेश जी, उसके साथ साथ आप कोई एड ऑन ट्रीटमेंट भी अलाउ करते हैं पेशेंट को यूज करने के लिए? जायरोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ इसमें कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि जब कभी आपको ऐसा दर्द हो तो आप इंजेक्शन ले लें या डॉक्टर से कोई पेन किलर लेके कोशिश करें कि ये दर्द खत्म हो जाए। नरेश जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जायरोपैथी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट करवा पाए हैं और उनको आराम मिला है, और आगे भी आपके सहयोग के कारण बहुत लोगों को आराम मिलेगा इस दर्द से। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स या किसी अन्य समस्या से परेशान हैं और उसका सही इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो बस नरेश जी से कांटेक्ट करें इस पते पर। ज़ायरो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालामेरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamayaninaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zairopathy.com।
सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ. हम फिर मिलेंगे ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के अगले एपिसोड में. तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. For more videos, subscribe to our channel, Care World.